नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रीजनिंग का सेक्शन करेंगे। आज अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यहाँ पहला कथन दे रखा है, सभी कवि पाठक हैं। तो इसका हम बना लेते हैं डायग्राम। सभी कवि जो हैं पाठक है, सभी वाला दे रखा, तो इसका गोला ऊपर बन जाएगा इसका। कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है, कोई पाठक क्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। तो कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, अगर पाठक के अंदर सारे कवि आ रहे हैं, जब पाठक की बुद्धिमान नहीं है तो कवि भी बुद्धिमान नहीं होगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा हमारा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो कवि जो है वो पाठक पाठक के सब कैटेगरी में आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो बड़े वाले गोले के अंदर वाले जितने भी होते हैं, जो बड़े वाले का रिलेशन होता है अगर नहीं का, तो वो अंदर वाले भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं निष्कर्ष। सभी पाठक कवि हैं, सभी पाठक कवि हैं, तो ये उल्टा हो रहा, सभी कवि पाठक हैं तो सभी पाठक कवि हैं ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ जल्दी से। ऑल पोएट्स आर रीडर्स, तो पोएट का रीडर से ऑल वाला रिलेशन है, ये बन गया डायग्राम। नो रीडर इज वाइज, रीडर का वाइज से ये बना दिया। कंक्लूजन देखते हैं, नो पोएट इज वाइज, तो नो पोएट इज वाइज ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी रीडर वाइज नहीं है और पोएट जो है रीडर के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले भी इसके साथ नहीं वाला, नॉट वाला रिलेशन सही होगा, तो ये सही हो जाएगा। ऑल रीडर्स आर पोएट्स, तो ये उल्टा हो रहा है, पोएट रीडर हैं सारे के सारे, सारे रीडर पोएट हैं ये जरूरी नहीं है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, देखिए हिंदी में देखने पहले, शर्ट परिधान आलू, शर्ट का जो रिलेशन परिधान से है, आलू का किससे होगा? तो देखिए इसमें ये परिधान जो शब्द है, ये काफ़ी डिफिकल्ट शब्द है, काफ़ी मुश्किल शब्द है। तो हिंदी वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इंग्लिश को एकदम से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश में देखते हैं तो कितना इजी हो जाता है, शर्ट का गारमेंट दे रखा है। गारमेंट हम एड वगैरह में देखते रहते हैं, तो गारमेंट क्या है, एक गारमेंट का टाइप है शर्ट। गारमेंट क्या है, कपड़ों को कहते हैं। गारमेंट के अंदर आपका शर्ट पैंट ये सब आते हैं, तो शर्ट क्या है, गारमेंट का एक टाइप है। उसी तरह पोटैटो किसका टाइप है, ये वेजिटेबल यानी कि सब्जी का टाइप है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, ये एक क्वेश्चन का आंसर बताना है ना, गुण की आयु क्या है, गुना की आयु क्या है, गुण गुना कुछ भी, गुना समझ लीजिए, इसकी आयु क्या है ये बतानी है। इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, गुना विनय, ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमें ये चेक करना है, खाली ये स्टेटमेंट काफी है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, खाली ये काफी है इस स्टेटमेंट का आंसर निकालने के लिए, या फिर दोनों को मिलके तब इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से चेक करते हैं, इसकी आयु निकालनी है हमें, जी की वैल्यू, इसकी गुना की आयु निकालनी है। दिया गया है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गुना विनय और केशव एक ही उम्र के हैं, यानी कि गुना विनय और केशव इन तीनों की एज क्या है, सेम है, आयु समान है इनकी, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। तो देखिए खाली इस स्टेटमेंट को मैं देखता हूँ तो इससे मेरे को कोई इसकी वैल्यू पता नहीं चल पा रही है, सिर्फ बराबर पता चल रही है, एग्जैक्ट क्या वैल्यू इनकी पता नहीं चल रही है हमको, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, विनय केशव और अर्जुन की आयु का योग 32 दे रखा है, तो इसको देखता हूँ, तो मैं विनय केशव और अर्जुन इन तीनों का जोड़ता हूँ मैं, इनका योग क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। और आगे क्या देखा है, अर्जुन भी उतने ही बड़े हैं जितने विनय और केशव एक साथ, तो मतलब अर्जुन कितने बड़े हैं, विनय और केशव के एक साथ, विनय और केशव को जोड़ते हैं तो अर्जुन के बराबर आ रहा है। तो इसको मैं एक ही जगह v प्लस के वैल्यू डाल सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस के, और फिर दोबारा से v प्लस के हो जाएगा, तो वो दो बार हो जाएगा v प्लस के, ठीक है। तो दो से ये कट जाएगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, तो इससे क्या है, वी प्लस के की वैल्यू 16 आ रही है। अगर मैं खाली सेकंड स्टेटमेंट को देखता हूँ तो वी प्लस के की वैल्यू 16 आ रही है, हमें निकालनी है जी की वैल्यू, गुना की आयु निकालनी है, तो
तो इससे भी हमारी आयु नहीं निकल रही है, ना खाली एक से निकल रही है और ना ही खाली दो से निकल रही है। अब हम देखेंगे दोनों को मिला के निकल रही है या नहीं, ठीक है। तो पहले में दे रखा वी, वी के और जी तीनों बराबर हैं, हमें जी की निकालनी है, हम वी की जगह भी जी रख सकते हैं और के की जगह भी जी रख सकते हैं। तो इन दोनों को यूज करते हैं तो क्या आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रही है, जी की वैल्यू हमारी आ जा रही है इससे 8 आ जा रही है। ये मैंने सॉल्व करने के लिए दिखा दिया है, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम अगर यहीं से देख के पता चल रहा है कि आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन में अगर एक समीकरण में एक ही हमारा वेरिएबल चर होता है तो उसका आंसर हमारा आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ पर्याप्त होंगे, दोनों कथन एक साथ आवश्यक हैं, दोनों की जरूरत एक साथ है। एक बार इंग्लिश में जल्दी से बता देता हूँ, व्हाट इज गुनाज एज, ये हमें निकालना था। हम स्टेटमेंट पहला देखा, गुना विनय एंड केशव आर ऑफ सेम एज, तो इसका स्टेटमेंट ये बन गया जी वी के तीनों बराबर। सम ऑफ एजेस ऑफ विनय केशव एंड अर्जुन इज 32, इनके तीनों का सम ये दे रखा है 32। ऑल्सो अर्जुन इज एज ओल्ड एज विनय एंड केशव टुगेदर, तो विनय और केशव को ऐड किया तो अर्जुन के बराबर आना चाहिए, ये स्टेटमेंट ये आ गया। इसको हमने सॉल्व करा, ए की जगह वी प्लस के रखा तो ये इक्वेशन ये आ गई, वी प्लस के इक्वल टू 16 ये आ गई, जिससे हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, जी की वैल्यू नहीं निकल रही है। तो खाली एक से भी नहीं निकल रही, दो से भी निकलनी, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को यहाँ पे ऐड किया, ऐड मतलब दोनों का यूज किया संग में स्टेटमेंट वन और टू, तो उससे क्या हो गया, वी और के की जगह हमने जी, दोनों की जगह जी रख दिया, क्योंकि हमें आंसर जी जी का निकालना है, अगर के का निकालना होता तो के रख देते, वी का निकालना तो वी रख देते, जिसका निकालना वो रख देते, ठीक है। उसके बाद आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नीडेड, अकेले अकेले कोई नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे हमें कोड दे रखे हैं, एंट्री का कोड दे रखा है, स्टडी का कोड दे रखा है, नीडनेस का, तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इससे हमें समझना चाहिए किस तरह के कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो नीडनेस का कोड है, इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं सारे के सारे NESSEAT, ये सारे के सारे या तो एंट्री में या स्टडी में आ रखे हैं, ठीक है। तो इनका कोड डायरेक्ट हमें इसमें से देखना है, अच्छा ठीक है। एक बार जल्दी करने के लिए हम ऑप्शन की तरफ एक बार देखते हैं, तो देखो दिख रहा है शुरू के दो और आखिरी के दो, ये सारे ऑप्शन में सेम दे रखे हैं, तो इन दोनों को हम कोड निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बस्ते कौन से, बीच के चार बस्ते हैं, यानी कि ATNE, सिर्फ इसका मैं कोड निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ए कहां से निकलेगा, ये पीछे से तीसरा, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसी तरह टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ST और 74 दे रखा है, तो इसका 4 हो जाएगा। आगे बचा NE, तो ये EN का उल्टा हो जाएगा, यहाँ 98 है तो आंसर हो जाएगा 89, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, 3489 देखिए इसी में दे रखा है 3489, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन को भी क्या करना है, हमको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष का है, तो इसको हमको क्या है, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं लगता है, इसीलिए जब तक आप इस क्वेश्चन में श्योर ना हो तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगर पूरी तरह आपको ये आता है तभी ये क्वेश्चन करना है, नहीं तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। बाकी क्वेश्चन पर फोकस करो जो अच्छे से आ सकता है, फालतू में नेगेटिव मार्किंग लगेगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए कथन दे रखा है, सभी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। तो सभी आवाज क्या होती है, प्राकृतिक होती है, हर एक में नेचुरल टैलेंट होता है, गुड वॉइस क्या होती है, एक नेचुरल गिफ्ट है, बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल इन फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तभी एक्सेल करोगे, एक्सेल यानी कि बेस्ट, अपना बेस्ट पोजिशन पे पहुंचोगे, उत्कृष्ट मतलब बहुत ही अच्छा कार्य, बेस्ट लेवल पे, टॉप लेवल पे, ठीक है। अभी देखते हैं निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, प्रकृति उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, सही बात है, कि अगर आपको नेचुरल टैलेंट मिला है तो उसका पोषण और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसको अगर वेस्ट कर दोगे आप तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष हम सही निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। ठीक है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर, तो नेचुरल गिफ्ट जो होता है उसको नर्चर करना पड़ेगा, उसको उसकी केयर करनी ही पड़ेगी हमको। अगला क्या दे रखा है, बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस वन कैन गेट अ नेचुरल गिफ्ट, खाली प्रैक्टिस करने से हम नेचुरल गिफ्ट नहीं ले सकते, नेचुरल तो अपने आप, उसका नाम ही नेचुरल है तो वो अपने आप ही आना है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं,
निरंतर अभ्यास से कोई भी प्राकृतिक उपहार प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी में जो नेचुरल टैलेंट होता है वो कोई प्रैक्टिस से नहीं आ सकता, प्रैक्टिस से उसे आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल गिफ्ट है वो तो नेचुरल ही है, उसका नाम ही प्राकृतिक है, तो वो प्रकृति देगी, आप नहीं उसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो गया आंसर, पहला सही दूसरा गलत। तो सिर्फ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। तो ये, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पूरा पूरा श्योर हो गए जब, तभी इसका आंसर लगाना है। ऐसे ही नहीं, अगर दिल कर रहा है आपका कि ये सही होगा तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत रेयर होता है और उनका एग्जाम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है, उनका क्या लॉजिक लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ये इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा वो देखना है। तो इजी क्वेश्चन होता है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ए सी सी दे रखा है दो में, इसमें टी और एच है तो ये दोनों तो वैसे कट गए। सी सी के बाद यहाँ पे यू आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, तो ओ पहले आ जाता है, इसीलिए ये कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट की डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा ये हमको बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है, टाइम वेस्ट कम से कम करना है इनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए कोड दे रखा है, बी का वन सी का टू, बी का ए का वन बी का टू सी का थ्री। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल इनके वर्ड दे रखे हैं, इनको जल्दी से जल्दी करना है। तो ये आपको एग्जैक्ट अगर याद होंगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर वहां पे अगर आप डायग्राम बनाने लग गए तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है और आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर याद होंगे तो आप लिख पाएंगे, बी का होता है टू, आई नाइन होता है, डी डी फोर होता है, आई का वेर नाइन और सी का तीन, 2 9 4 4 9 3। देखिए एंड में 9 3 सिर्फ एक में, तो इसी को देख के हम आंसर लगा देंगे आराम से। ठीक है, जल्दी से जल्दी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का। तो ये क्वेश्चन अब आने लग गए रेलवे में, पहले नहीं आते थे, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए अभी हम देखेंगे इनको कैसे किस तरीके से करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं जल्दी से इसमें क्या क्या दे रखा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 6 दोस्त दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, तो उनके नाम क्या क्या दे रखे हैं मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अनिल को मैं ए से रिप्रेजेंट, अनिल, भरत, राम, दिलीप, कराथी और विजय। ठीक है, ये क्या एक दूसरे के सामने एक घेरे में बैठे हैं। ठीक है, घेरे मतलब सर्कल में बैठे हैं, किसमें बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं। तो क्या है फिर आगे, क्या है, अनिल दिलीप घेरे में बैठे हैं, हाँ ठीक है, यहाँ शुरू होता, अनिल दिलीप और भरत के बीच में बैठा है। तो अनिल कहाँ बैठा है, दिलीप और भरत के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है दिलीप लेफ्ट में और भरत राइट में, ये ऐसे भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये दिमाग में याद रखना है कि बीच का दे रखा है, लेफ्ट राइट नहीं दे रखा है, इसीलिए ये दोनों कंडीशन है। अच्छा, जब तक हमें पोजीशन नहीं पता होगी तब तक हम सर्कल नहीं बनाएंगे, उसमें अभी से नहीं वैल्यू डाल देंगे ये यहाँ बैठा है यहाँ, ठीक है, अभी बीच का दे रखा है इसीलिए पोजीशन हमें नहीं पता है, तब तक हम क्या करेंगे इसको होल्ड पे रखेंगे। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा है, अनिल इज बिटवीन दिलीप एंड भरत, तो वही हमने ये बना दिया, अनिल क्या है, दिलीप भरत के बीच में है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, विजय जो है वो कहाँ है, राम और कराथी के बीच में, तो ये सिमिलर है, विजय जो है राम और कराथी के बीच में, तो इसको भी मैं दोनों केस इसके लिख लेते हैं, तो कराथी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ये दोनों केस हमारे सही होंगे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं जल्दी से, यहाँ भी देख लो इंग्लिश में दे रहा हूँ, विजय इज बिटवीन राम एंड कराथी, यही मैंने वहाँ पे लिखा है। ठीक है, राम है भारत के बाई ओर तीसरा, तो ये समझिए एक बार, अगर कोई किसी के तीसरा बाई ओर है तो वो क्या होगा, अगर ये मान लो ए तीसरा है बाई ओर और यहाँ लिख दो, तो ये क्या है, 1 2 3 4 ये चौथा हो जाता है। ठीक है, 3 छोड़ के नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। बी अगर ए के तीसरा बाई ओर है तो ये लिखना है इसको, इसमें गलती कर देते हैं लोग, बीच में 3 डैश छोड़ देते हैं, तो ये क्या है, तीसरा। इसका एग्जांपल अगर आपको देना है तो अगर किसी के रैंक क्लास में 7th आई है तो उसको 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, ना कि यहाँ 3 छोड़ने के बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, तो वो चौथी रैंक हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह हमारे क्वेश्चन क्या देखा है, राम है भारत के बाई ओर तीसरा, तो बाई ओर कौन है, राम है कहाँ पे, भारत के बाई ओर तीसरा, तो भारत के तीसरा 1 2 3। ठीक है, तो इसको मैं इससे जोड़ता हूँ, तो राम हमें राम का इधर दे रखा है, 2 बनने हैं, एक ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे बनाता हूँ
तो ये देखो सही बन रहा है, राम है भारत की बाई ओर तीसरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी यहां पे आ गया है तो ये वाला काम कर जाएगा, यहां पे बीच में डी और ए लिख देंगे, ठीक है। आप किसी में भी इसमें भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही होते हैं क्योंकि ये सर्कल है तो लेफ्ट राइट का इतना कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो हमें सबकी पोजीशन पता चल गई है, डी है ये वाला डी है, ये ए है, ठीक है। तो अभी हम सर्कल बना लेंगे, या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भरत, तो मतलब क्या है, भरत के लेफ्ट में थर्ड है राम, ठीक है। यहाँ बीच में तीन डैश नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो अभी हम इनकी पोजीशन इसमें बना लेते हैं, किसी भी एक नंबर से शुरू कर दो, के से शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। के से शुरू करा हमने, के वी आर डी ए बी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आप देखिए, अगर सर्कल एक बार बन गया हमारा सही से, पजल पूरा हो गया, तो ये बहुत इजीली हो जाएंगे। ये समझा रहा हूँ मैं तो टाइम लग रहा है, बेसिक समझना धीरे करना तेज है, अगर समझेंगे नहीं समझेंगे जल्दी जल्दी तो तेज करने में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, हु सिट्स बिटवीन भरत एंड विजय, भरत और विजय के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए भरत ये रहा, विजय ये रहा, इनके बीच में कौन बैठा है, ये के वाला बैठा है, के मतलब कराथी, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु सिट्स हु इज बिटवीन विजय एंड दिलीप, विजय और दिलीप के बीच में कौन है। तो एक बार देखते हैं सर्कल में, देखते हैं विजय ये रहा, दिलीप ये रहा, तो इसके बीच में कौन बैठा है, आर फॉर राम बैठा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राम हो जाएगा चौथा, ठीक है। एक बार सर्कल बन जाता है तो काफी इजी हो जाता है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अनिल इन रिलेशन टू विजय, अनिल की पोजीशन, अनिल विजय के संबंध में अनिल की क्या स्थिति, अनिल विजय की के बीच में क्या रिलेशन बनना है, ये देखना है, अनिल और विजय। तो देखते हैं सर्कल, देखते हैं, तो देखिए ये रहा अनिल और ये रहा विजय। तो अनिल विजय क्या है, 1 2 3, तीसरे तीसरे पे है ये। अब ये इधर से लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, दोनों तरफ से तीसरा ही बन रहा है। तो भैया ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या दे रखे हैं, तो ऑप्शन में यहां बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, ये अलग अलग दे रखे हैं। सबसे पहले बाई ओर, तो बाई ओर से पहला दे रखा है इसमें, तो तीसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, दाएं से तीसरा। बाएं से भी होता तो वो भी हमारा आंसर सही होता, लेकिन वो दोनों ऑप्शन में नहीं देंगे क्योंकि आंसर तो एक ही हो सकता है, इसीलिए ये हो गया हमारा दाएं से तीसरा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए सर्कल एक बार बन जाता है तो तीन क्वेश्चन, अब इसमें टाइम लगता है सर्कल बनाने में, पजल में, इसीलिए ये होता है, जिसको आता है वो इसमें आगे निकल जाएगा रेस में, और जो नहीं, जिसको नहीं आता उसके तीन के नंबर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, अगला क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, ए एक्स बी वाई सी एक्स, तो ये आपको याद होगा तो एक सेकंड में बता दूंगा, डी डब्ल्यू होता है इसका, ए बी सी के बाद डी आएगा, और एक्स वाई जेड से, एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अगला देखिए, ये स्टेटमेंट वाला फिर से आ गया क्वेश्चन एक और, तो इसमें क्या दे रखा है, गौतम गौतम की रैंक दे रखी है 18th इन द क्लास, तो गौतम की पहले से ही हमको दे रखी है रैंक 18th इन द क्लास, गौतम एक कक्षा में क्या है 18वें स्थान पर है। तो ये क्या दे रखा है, 18वां स्थान है, मतलब क्या है, यहाँ 17 लोग होंगे, ये 18वां है, ठीक है। आखिरी से उसकी रैंक निकालनी है, तो क्वेश्चन ये है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ही एक स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, तो इसको स्टेटमेंट नहीं मानना है, स्टेटमेंट हमें सिर्फ इनको मानना है, ये तो उसके अंदर ही है, तो इसको अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं मानना है। जब चेक करेंगे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वाला काफी है या नहीं, ये वाला काफी है या नहीं, दोनों काफी है या नहीं, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, कक्षा में 47 छात्र हैं, 47 छात्र हैं, अगर टोटल पता हो और आगे से रैंक पता हो तो ये पीछे से कितने बच्चे रह गए होंगे ये भी पता चल जाएगा। तो हमें टोटल छात्रों की संख्या अगर पता हो तो क्या हो जाएगा, पीछे से रैंक भी हमें पता चल जाएगी। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट काफी है, क्या हुआ यहाँ पे, अगर आगे से हमें रैंक पता है गौतम की और
और टोटल छात्र पता है यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, तो ये माइनस करके हम पीछे से जो रैंक निकल रही है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी है। अभी दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट, उसी कक्षा में क्या दे रखा है, जेगन की अंतिम से रैंक दे रखी है और आगे से भी दे रखी है, मतलब आगे से भी रैंक दे रखी है। अगर किसी बंदे की हमें आगे से रैंक पता हो मान लो 10 है और पीछे से पता हो 20 है, तो इसके भी हम क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इंग्लिश में भी देख लो, जेगन हु रैंक्स 10th इन द सेम क्लास एंड रैंक्स 38 फ्रॉम लास्ट, तो स्टार्टिंग से और लास्ट से दोनों से अगर रैंक पता है तो टोटल निकल आएगा आराम से। ठीक है, आगे से भी पता है पीछे से भी पता है तो टोटल निकल आएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट अपने ये मतलब ये और दो दोनों एक ही हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी है आपका क्या, इसके गौतम की एज रैंक पीछे से निकालने के लिए, मतलब क्या हो गया, ये भी अकेला काफ़ी है, ये भी अकेला काफ़ी है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा कि कथन एक ही पर्याप्त है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों एक साथ, दोनों की एक साथ जरूरत नहीं है। कथन, अच्छा यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन होगा, कथन दो लिखा होगा यहाँ पे, कथन एक अकेला पर्याप्त तो, अकेला पर्याप्त नहीं है, अकेला ही पर्याप्त नहीं है, दोनों ही है, तो या तो एक या तो दो, तो मतलब क्या है, या तो एक या तो दो, इसमें ये बोथ वाला नहीं लगाना है, आइदर वन और टू इज सफिशियंट, तो अकेले यही सफिशियंट है, अब दोनों की जरूरत साथ में नहीं है इनमें, इसका मतलब क्या है, अकेले दोनों कोई नहीं काम कर पा रहा लेकिन संग में मिलके तो आंसर निकल पा रहा है, यहाँ क्या है, दोनों अलग अलग ही आंसर निकाल पा रहे हैं, इसीलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दीपक ने राजू का परिचय देते हुए कहा, तो मतलब बोल कौन रहा है, बोल दीपक रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, राजू के बारे में, तो वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। ठीक है, तो मेरे से शुरू करते हैं, मेरा मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दीपक की बात हो रही है, मेरे पिता के पिता, तो दीपक के पिता, ये लाइन हमारी जनरेशन को बताएगी, एक लाइन मतलब एक जनरेशन ऊपर इन्होंने इनके पिता हो गए, प्लस यहाँ पे जेंडर बताएगा, ठीक है, क्या मेल है या फीमेल है, आदमी है औरत है, पिता के पिता कौन हो जाएंगे, दीपक के दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, का की पोती, अब इनकी पोती कौन हो जाएगी, जो ये दीपक के भी दादाजी हैं, तो दीपक की बहन जो होगी वो दीपक के दादा की पोती हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो अब पोती का पति है इनका, जो ये पोती हुई है इनका पति है, कौन है पति, इनका पति कौन है, बात किसकी हो रही थी, राजू की हो रही, दीपक किसके बारे में बात कर रहा था, राजू की बात कर रहा था, तो इनकी बहन का पति है राजू, दीपक की बहन का पति, तो मतलब क्या हो गया, इनका जीजा हो गया, संबंध किसके बारे में पूछ रहा था, राजू और दीपक के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, तो इंग्लिश में क्या दे रखा, ही इज हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर, तो इसका पीछे से हम पकड़ेंगे, बात कौन कर रहा है, दीपक कर रहा है, राजू के बारे में बात कर रहा है, फादर ऑफ माई फादर मतलब मेरे फादर का फादर, तो दीपक के फादर के ये फादर हो गए, उनके ग्रैंड फादर हो गए, ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर किसकी, फादर की ग्रैंड डॉटर कौन हो जाएगी, इनकी बहन हो जाएगी, यहाँ पे जो है ये इनकी ग्रैंड डॉटर, फादर की ग्रैंड डॉटर मतलब दीपक की सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर आ गई, ही इज हस्बैंड, ही कौन है, यहाँ पे ही कौन है, राजू की बात हो रही है, तो राजू हस्बैंड है, इनका हस्बैंड हो गया ये। ठीक है, तो ये हस्बैंड हो गया, तो ये कौन हो गया, दीपक और राजू में क्या रिलेशन हो गया, राजू कौन हो गया, दीपक का ब्रदर इन लॉ हो गया, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है, देखते हैं। तो यहाँ पे कौन है, एक तस्वीर की मैं एक आदमी है उसकी ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा है। ठीक है, तो बोल कौन रहा है, अनीता बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है, तस्वीर में एक आदमी है, तो आदमी है तो ये प्लस हो गया, ये फोटो वाला है। ठीक है, फोटो में आदमी है। ठीक है, तो अभी करते हैं, उसकी माँ की इकलौती बेटी, तो इनकी जो फोटो, उसकी मतलब किसकी, आदमी की माँ की, तो ये माँ हो गई,
कि इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, फोटो की बहन हो जाएगी, फोटो की बहन हो जाएगी। एक लाइन से हम करेंगे तो उनके भाई बहन होंगे, दो लाइन से तो उनके पति पत्नी का रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है। उसकी माँ की इकलौती बेटी कौन है, मेरी माँ है। मेरी मतलब कौन बोल रहा है, अनीता बोल रही है, तो ये किसकी माँ है, अनीता की माँ है। दोबारा बोल देता हूँ क्या हो रहा है, तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है, मतलब फोटो की बात कर रही है, तो तस्वीर में कौन है, आदमी है, तो आदमी की उसकी माँ, उसकी मतलब फोटो वाले आदमी की माँ, तो ये माँ के लिए हम ऊपर एक जनरेशन पहुंच गए। माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी कौन हो गई, ये हो गई, इनकी फोटो की बहन हो गई। तो इकलौती बेटी मेरी माँ है, मेरी मतलब किसकी माँ है, बात कौन कर रहा है, अनीता कर रही है, तो अनीता की माँ है ये, ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, अनीता उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो अनीता कैसे संबंधित है, अनीता की अंकल हो गए या चाचा जो भी हो गए, तो ये उनकी उनकी क्या हो गई, भतीजी हो गई, ठीक है। एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ जल्दी से, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अनीता सेट, अनीता जो है बोल रही है, और किसके बारे में बोल रही है, मैन इन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो आदमी है उसके बारे में बोल रही है, ठीक है। हिज मदर्स ओनली डॉटर, हिज मतलब किसकी बात हो रही है, फोटो वाले आदमी की बात हो रही है। हिज मदर्स ओनली डॉटर मतलब मदर, ये मदर पहुंच गए, मदर्स मतलब मदर की ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर जो है, इकलौती बेटी है, वो कौन हो जाएगी, फोटो वाले की बहन हो जाएगी। इज माई मदर, माई मदर मतलब किसकी मदर, अनीता बात कर रही है ना, तो अनीता की मदर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया, अभी देखते हैं क्या पूछा है। अनीता का रिलेशन बताना है हमें मैन से, तो अनीता का रिलेशन हो जाएगा बहन से, क्या फोटो से क्या हो जाएगा, फोटो वाले आदमी से मैन से, तो ये उनकी क्या हो जाएंगी, नीस हो जाएंगी, अनीता उनकी नीस हो जाएंगी, आदमी क्या है, अंकल हो जाएगा। इसमें ये भी कई बार ऐसे होता है उल्टा पूछ लेगा, मैन का अनीता से अगर पूछता तो ये उसका अंकल हो जाते, हिंदी में होते तो मामा हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनीता का रिलेशन पूछा है, जिसका पूछा है वो दी। ये आखिरी के लाइन हमें ध्यान से पढ़ना है, इसमें तो ऑप्शन अजीब दिया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे अंकल दे दिया होता तो बहुत सारे लोग उस पे लगा देते और गलत हो जाता हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए सिलॉजिज्म का है, तो इसको करते हैं जल्दी से, तो हिंदी में करते हैं पहले। कुछ राजा रानी है, तो कुछ जो राजा, आर जे से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे आर एन से कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों रा रा से शुरू हो रहे हैं तो गलत हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ राजा रानी हैं और सभी रानियाँ सुंदर हैं, तो ये रानियाँ जो हैं इसमें सभी वाला है, तो ये पूरे गोले के अंदर आ जाएगा, सभी रानियाँ सुंदर हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी राजा सुंदर हैं, तो राजा ये वाला है, ये राजा ये वाला है, सभी राजा सुंदर नहीं है, सभी रानियां सुंदर हैं, तो यहाँ कुछ वाला यहाँ पे बनना है, डायग्राम से हम देखेंगे टच होता है ये, तो ये कुछ वाला बनता है, तो यह कुछ वाला है, सभी वाला नहीं है, सभी वाला कब होता, जब राजा के ऊपर सुंदर वाले गोले के अंदर राजा आता, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां राजा नहीं है, कुछ रानियां राजा, कुछ की बात हो रही है, सभी की नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट, सम किंग्स आर क्वीन, तो सम के लिए ये बना देंगे हम, सम किंग्स आर क्वीन, ठीक है। ऑल क्वीन्स आर ब्यूटीफुल, तो और बन जा, ठीक है, ऑल क्वीन्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ये गोला उसके ऊपर बना, दोबारा से बना देता हूँ जल्दी से, तो ठीक है, सम किंग आर क्वीन, और ये ऑल क्वीन आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस अब क्या है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो किंग का जो है ब्यूटीफुल से क्या है, सम वाला टच हो रहा है, अगर ये दो डायग्राम टच होते हैं तो ये सम वाला रिलेशन होता है, ऑल वाला नहीं होता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऑल नहीं है सम है। ऑल क्वींस आर किंग्स, सभी क्वीन किंग नहीं है, कुछ किंग क्वीन है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों ही कंक्लूजन गलत है, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो गए हैं, अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। आप अगर मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हैं तो एंड तक जरूर देखा कीजिए वीडियो को, क्योंकि इससे मेरे वीडियो को आगे रेंज बहुत मिलती है और ज़्यादा लोगों तक ये शेयर किया जाता है यूट्यूब द्वारा, ठीक है।
और आगे ऐसी ही मैं और सीरीज डालने वाला हूँ, तो आप प्लीज एंड तक देखिए और शेयर कीजिए। और चैनल का नाम है दिग्विजय शर्मा अकेडमी, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, तो आपको मिस नहीं करनी है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं वो वीडियोस। ठीक है, अच्छा तो और क्या कहना था मुझको, हाँ आपको क्या करना है, अगर कोई भी टॉपिक इनमें से समझ नहीं आता पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा वो टॉपिक। ठीक है, तो बस यही है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।